हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए डोरमेट का नया पैटर्न लेके आई हूँ, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। देखिए गाइस, यहाँ पे मैंने बेस फैब्रिक के लिए पैंट पीस का कटिंग लिया है। इसका साइज़ मैंने आपको स्क्रीन पे दिया है, वो आप देख सकते हैं। अभी हमें क्या करना है, 5 सेंटीमीटर विड्थ का फैब्रिक का एक पट्टी लेना है और इसको इस तरीके से क्रॉस में स्टिच करना है। देखिए गाइस, पट्टी स्टिच होने के बाद अभी हमें क्या करना है, 5 बाय 5 सेंटीमीटर का फैब्रिक का कटिंग लेना है और इसको इस तरीके से ट्रायंगल शेप में फोल्ड करना है। अभी हमने जो पट्टी स्टिच किया है वहाँ पे ही आपको ट्रायंगल शेप का जो कटिंग हमने बनाया है उसको आपको इस तरीके से क्रॉस में स्टिच करना है। अभी हमें 5 सेंटीमीटर का फैब्रिक का एक पट्टी लेना है और जो हमने ट्रायंगल शेप में जो कटिंग हमने स्टिच किया है उसके ऊपर आपको दूसरा पट्टी स्टिच करना है। दूसरा पट्टी अटैच होने के बाद आपको इस तरीके से पिनअप करना है। और अभी हमें और एक अलग कलर का रेक्टेंगल पीस लेना है और उसको इस तरीके से स्टिच करना है। ऐसे आपको क्रॉस में स्टिच करते जाना है। देखिए गाइस, बहुत ही सिंपल पैटर्न है, जिसको सिलाई नहीं आता है वो भी ये आसानी से बना सकता है। देखिए गाइस, यहाँ पे सेम प्रोसेस है, पूरा चौरस ऐसे ही आपको स्टिच करके कंप्लीट करना है। देखिए गाइस, यहाँ पे हमारा पूरा चौरस स्टिच हो गया है। अभी हमें बॉर्डर पे पूरे चारों साइड में स्टिचिंग करना है और एक्स्ट्रा है वो आपको कट करना है। अभी हमें 5 सेंटीमीटर का एक पट्टी लेना है और इसको बैक साइड में स्टिच करना है। बैक साइड में स्टिच होने के बाद आपको इस तरीके से फ्रंट साइड में फोल्ड करके पाइपिंग करना है। ऐसे आपको चारों साइड में पाइपिंग करना है। देखिए गाइस, यहाँ पे हमारा डोरमेट रेडी हो गया है। बहुत ही अच्छा लग रहा है ये पैटर्न। रेक्टेंगल पीस का जो डिज़ाइन है वो बहुत ही सुंदर लग रहा है। इस तरीके से आप बच्चे कुछ फैब्रिक आपके घर में रहते हैं उससे आप ऐसे डोरमेट्स बना सकते हैं। आई होप आपको आज का मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स करना। और अगर आप मेरे चैनल पे नए विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।